बड़ी खबर का रुख करते हैं अयोध्या से। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, अयोध्या राम जन्मभूमि को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी, रामलला सदन में रहने वाले एक शिष्य को फोन आया है और बम से उड़ाने की धमकी दी है। थाने में शिकायत की है दर्ज, जांच में पुलिस जुट गई है। इस पूरे मामले में आपको बता दें, अयोध्या में राम जन्मभूमि को बम से उड़ाने की ये धमकी इस वक्त सामने आई है। रामलला सदन में जो शिष्य वहां पर मौजूद है उनको फोन आया है, उनको ये धमकी दी गई है। ये बड़ी इस वक्त अहम खबर, बड़ी अहम जानकारी सामने आई। थाना राम जन्मभूमि जनपद अयोध्या का है। रामलला सदन के मनोज कुमार जो वर्तमान में इलाहाबाद में कल्पवास कर रहे हैं, सुबह लगभग 5 बजे उनके मोबाइल पर एक कॉल आई और ये कहा गया कि मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, आज 10 बजे तक राम जन्मभूमि को उड़ा देंगे। ये सूचना जैसे ही थानाध्यक्ष को प्राप्त हुई, तत्काल इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया, टीम लगाई गई है, उस व्यक्ति की तलाश में हमारी टीम रवाना है। तो आपको बता दें, थाने में शिकायत दर्ज कर दी गई है, जांच में पुलिस भी जुट गई है, लेकिन मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। अंकुर पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधे रुक करते हैं अंकुर का। अंकुर, ये काफी गंभीर मामला इस वक्त सामने आया है, बम से उड़ाने की धमकी अयोध्या में जो वहां पर जन्मभूमि है उसको उड़ाने की दी है, क्या कुछ पूरा मामला है और पुलिस क्या कर रही है? उसको फोन से धमकी दी गई है उड़ाने के लिए, और मनोज जी के फोन पर सुबह फोन आया और उनको फोन करके बोला गया कि राम जन्मभूमि को हम लोग 10 बजे उड़ा देंगे। मौके पर उन्होंने थाना राम जन्मभूमि में शिकायत की और शिकायत करते ही उस नंबर पर अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया गया है और FIR दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। जी, क्या कुछ निकलकर अभी सामने आया है और पुलिस किस तरह से, किस एक्शन में इस पर जो है वो संज्ञान ले रही है, क्या कुछ अभी तक सामने निकल कर आया, कुछ महत्वपूर्ण चीजें? जी सीता जी, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा। अयोध्या SP सिटी जो है मधुबन सिंह ने, उन्होंने सीधे तौर पर साफ कर दिया है कि अयोध्या की जो सुरक्षा व्यवस्था उसको पूरी तरीके से टाइट कर दी गई है। जो अयोध्या 3 जोन में बांटी गई थी, तीनों जोन में अब व्यवस्था जो है पूरी तरीके से टाइट कर दी है और जगह जगह अयोध्या में जो बॉर्डर है उसकी गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है। और SP सिटी अयोध्या ने ये भी कहा है कि जो ये धमकी मिली फोन से, इसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है और ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर, ये तमाम जानकारी देने के लिए और ये इस खबर पर आप नजर बनाए रखेगा। आगे बढ़ते हैं एक और